बीते दिवस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस समारोह मनाया गया। देश प्रदेश में सरकारें आदिवासियों के किए कार्यों का ढोल पीटती रही। वहीं दूसरी तरफ इसी सरकारी सिस्टम की वजह से एक गरीब बीमार आदिवासी की जान चली गई। जी हां, सरकार सिस्टम कितना लापरवाह है इसे इससे समझा जा सकता है। स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा, अन्य लोगों द्वारा, जिले के मंत्री को भी जानकारी दी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पूरा मामला सतना जिले की मझगवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नरदाह की आदिवासी बस्ती मझगवा हार का है, जहां बीते दिवस शाम को अचानक आदिवासी बस्ती निवासी झुलवा की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद गांव के आदिवासी ग्रामीणों द्वारा ग्राम के सरपंच को सूचना दी, जिस पर सरपंच के द्वारा डायल 108 को मरीज की जानकारी देते हुए वाहन भेजने की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ से 2 घंटे के अंदर वाहन पहुंचने की जानकारी मिली, लेकिन घंटों बाद भी डायल 108 वाहन नहीं पहुंचा। इसी बीच कई मर्तबा ग्राम के सरपंच राजीन सिंह सहित साथ ही स्थानीय निवासी चंदन सिंह के द्वारा 108 नंबर पर फोन करके मरीज वाहन भेजने की मांग की जाती रही, तो वहीं दूसरी तरफ से हर बार बस अभी भेज रहे हैं कि बात दोहराई जाती रही। इसी बीच स्थानीय निवासी चंदन सिंह के द्वारा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल को भी इस पूरे मामले की जानकारी देकर मरीज वाहन को शीघ्र भेजने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद आखिरकार दर्द से कराहते झुलवा के प्राण निकल गए। एक गरीब आदिवासी की जान उस सरकारी सिस्टम के चलते निकल गई, जिस सिस्टम का ढोल बीते दिन देश प्रदेश की सरकारों के द्वारा पीटा गया था। क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि जिस सिस्टम में संतरी से लेकर मंत्री तक गैर जिम्मेवार बैठे हों, आखिरकार उसकी जांच कौन करेगा? ग्राम पंचायत नरदहा में खैरवाड़ मझगवां के पास झुलुआ मवासी बीमार था। ग्राम पंचायत के पास सूचना आई, राजेंद्र सिंह ने 108 को 4:45 पर फोन लगाया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में गाड़ी आ रही है। 2 घंटे के बाद फिर मैंने फोन लगाया 108 को, तो 108 ने कहा कि 2 घंटे के अंदर गाड़ी आ रही है। रात भर गाड़ी नहीं आई। सुबह 6:35 पर सुबह राजेंद्र सिंह ने फिर फोन लगाया, इसके बाद भी 108 उपलब्ध नहीं हुई। फिर मैंने सतना जिले के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राम खेलावन जी से भी चर्चा की, इसके बाद भी 108 उपलब्ध नहीं हुई। वो गरीब झुलुआ मवासी, मैंने शासन की सुविधा का लाभ न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये वही खैरवाड़ मझगवां है जहां रोड नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ के गरीब लोग इस तरह मर जाते हैं। इसका रिस्पांसिबल कौन होता है? अगर उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाती तो वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं मरा। मंत्री के आदेश के बाद भी 108 उपलब्ध नहीं हुई, जिस कारण आदिवासी दिवस के दिन ही वो आदिवासी बीमार होकर के मर गया। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? शासन से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं कराई जाती तो तमाम हरिजन और आदिवासी जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो इसी तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। इसकी न्याय जांच कराई जाए और अविलंब 108 के ऊपर कार्रवाई कर जो भी रिस्पांसिबल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें मैं 3:30 से फोन करते करते 108 का 108 लगाया 3 बजे, तो मैं पूरा समाचार बताया, सब कुछ लिखाया, पढ़ाया, नाव गांव तहसील जिला सब कुछ लिखाया। लिखा के उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मौके में गाड़ी नहीं है तो आधे घंटे से मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। आधा घंटा तक देखता रहा, आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन लगाया, फिर यही चीज़ पूछा, फिर मैंने सारी बात बताई। फिर वो उसने यही कहा कि 1 घंटे बाद रुक जाओ, ये गाड़ी मौके में नहीं, 1 घंटे बाद आती। तो मैंने फिर रुक गया। फिर तिबारा शाम जब रात हो रही थी तब फोन लगाया एक बार कि अंत लास्ट समय पर और देख लिया जाए। फिर मैंने अपने सरपंच साहब राजेंद्र सिंह को फोन लगाया, मैंने कहा दद्दा ऐसी बात है कि ये गाड़ी बुलवा दो, ज़्यादा एक मरीज ज़्यादा सीरियस है। तो उन्होंने अपने फ़ोन से अब उन्होंने लगाया,
पे किसी की बात नहीं, मतलब गाड़ी नहीं आई पूरी रात तक, ना पूरी रात गाड़ी नहीं आई, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। तो स्वयं फिर मैं सुबह अपनी मोटरसाइकिल बाइक से उसको वहां तक ले गया, वहां दम तोड़ दिया, खेत में 2 किलोमीटर गए और 1.5 किलोमीटर वहां दम तोड़ दिया। लगभग कितने बजे दम तोड़ा है? लगभग दम तोड़ा उसने 7:30। क्या नाम है मरने वाले का? मरने वाले का नाम जुलुआ मवासी है।